हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद केएम। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज बूलियन रिंग। ओके, रिंग तो हमें पता है क्या होता है, लेकिन बूलियन रिंग किसको बोलते हैं वो आज के इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, एंड वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बूलियन रिंग। ओके, सो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। लेट आर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन एज अ रिंग। पहले तो बुलियन रिंग के लिए रिंग चाहिए। ओके, सो हमने ले ली रिंग। ओके, अ रिंग आर इज कॉल्ड अ बुलियन रिंग इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, मीन्स जो भी एलिमेंट आर में है अगर वो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ओके, देन डैट रिंग आर विल बी कॉल्ड अ बुलियन रिंग। ओके, सो ये जो प्रॉपर्टी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, उसको क्या बोलते हैं, एडम्पोटेंट। ओके, मीन्स जो भी एलिमेंट ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलते हैं, एडम्पोटेंट एलिमेंट। ओके, सो इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती है, अ रिंग आर इज कॉल्ड अ बुलियन रिंग इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर आइडम्पोटेंट। ओके, सो यहां पे क्या इसका मीनिंग क्या है, रिंग आर को हम बुलियन रिंग तब बोलेंगे जब उसके सारे एलिमेंट्स क्या है, आइडम्पोटेंट है। ओके, आइडम्पोटेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स हर एक एलिमेंट जो आर में प्रेजेंट है वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, सो इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो अभी जेड टू, ओके, ये क्या है, इट इज़ अ रिंग अंडर एडिशन मॉड्यूलो टू, ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो टू, ओके, एज अ रिंग। ओके, सो अभी देखो ये बुलियन रिंग कैसे बनती है। जेड टू में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जीरो एंड वन। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स है जीरो एंड वन, अभी हम देखेंगे कि ये दो एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। ओके, सो देखो जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता है। ओके, ऑल्सो वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। ओके, सो जेड टू का हर एक एलिमेंट ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर जेड टू क्या बन गया, जेड टू अंडर एडिशन मॉड्यूलो टू एंड मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो टू इज अ बुलियन रिंग। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। वी विल सी वेदर द सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ बुलियन रिंग और नॉट। ओके, सो हमें दिखाना है कि ये जेड बुलियन रिंग है कि नहीं है। ओके, सो ये पता करना है हमें। सो देखो जेड रिंग है वो तो हमें पता है, सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ रिंग। ओके, अभी कोई भी एलिमेंट लेते हैं जेड में से एंड वो देखते हैं हम कि वो एलिमेंट ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ओके, सो वन बिलोंग्स टू जेड। ओके, सो देखो हमने एक एलिमेंट लिया वन विच बिलोंग टू जेड। ओके, सो वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, ठीक है। ये जो वन एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है जेड में, वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अभी एक दूसरा एलिमेंट लेंगे, ओके, जेड में से। सो हमने लिया माइनस वन, माइनस वन बिलोंग्स टू जेड, बट माइनस वन का जो स्क्वायर है वो क्या आता है, वन आता है। मीन्स माइनस वन डज नॉट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज माइनस वन स्क्वायर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ओके, सो माइनस वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन आ रहा है। ओके, देयरफॉर माइनस वन ये जो एलिमेंट है जेड का वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, देयरफॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ नॉट अ बुलियन रिंग। बिकॉज अगर हमें एक भी एलिमेंट मिल गया
सेट ऑफ इंटीजर्स में से जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, देन दैट रिंग विल नॉट बी अ बुलियन रिंग. ओके, देयरफॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ बुलियन रिंग. ओके, सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड गिव दिस वीडियो थम्स अप. थैंक यू.